फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी पोएट्रीज पर। तो आज आपको एक वीर रस की कविता से भेंट कराते हैं, जिसमें कवि ने किस प्रकार से पंक्तियों को पिरोया है और राणा की यानी कि महाराणा प्रताप के वीरता को प्रकट किया है। आइए सुनते हैं इस लाइन को वीर रस के भाव में, वीर रस की कविता को। दानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकथा था राणा, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। है रुंड कतर गंज मुंड पाछ, है रुंड कतर गंज मुंड पाछ, अरी ब्यू गले पर फिरती थी तलवार, वीर की तड़प तड़प क्षण क्षण बिजली सी गिरती थी। राणा करने सर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, राणा करने सर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, सोनित की मदरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। पर दिन भर लड़ने से तन में चल रहा पसीना था तर तर, पर दिन भर लड़ने से तन में चल रहा पसीना था तर तर, अविरल सोड़ित की धारा थी राणा छत से बहती झरझर। घोड़ा भी उसका शिथिल बना था उसको चैन न घावों से, घोड़ा भी उसका शिथिल बना था उसको चैन न घावों से, वह अधिक अधिक लड़ता यद्यपि दुर्लभता चलना पावों से। तब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप है संकट में, बोला ना बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में, अपनी तलवार दुधारी ले भूखे ना हर्षा टूट पड़ा, अपनी तलवार दुधारी ले भूखे ना हर्षा टूट पड़ा। कलकल मच गया अचानक दल अश्विन के घनसा फूट पड़ा, राणा की जय राणा की जय, वह आगे बढ़ता चला गया। राणा प्रताप की जय करता राणा तक चढ़ता चला गया, रख लिया छत्र अपने सर पर राणा प्रताप मस्तक से ले, रख लिया छत्र अपने सर पर राणा प्रताप मस्तक से ले, ले सवर्ण पताका जूज पड़ा रण भीम कला आतंक से ले। झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। झाला ने राणा रक्षा की रख दिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। अरे विजय गर्व से फूल उठे इस तरह हो गया समर अंत, अरे विजय गर्व से फूल उठे इस तरह हो गया समर अंत, पर किसकी विजय रही बतला ए सत्य सत्य अवर अनंत। ये कविता बड़ी ही वीर रस के भाव से भरी हुई श्याम नारायण पांडे जी ने रचित की है।